टेक क्रैक यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ घंटे को ऑल पर रख लो ताकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। थैंक यू गाइस। जब भी हम यूट्यूब पर कोई वीडियो को अपलोड करते हैं तो उसके एक या दो घंटे तक हमारे वीडियोस पर उतने व्यूज नहीं आते, मतलब जितने आने चाहिए होते उतने नहीं आते। मतलब कि जो हमने जो पिछले वाले वीडियो अपलोड किए तो और जो रिसेंटली अपलोड किए उन दोनों में हम कंपेयर कर देखें तो हमें उतने व्यूज नहीं मिलते दोस्तों। तो ऐसा ये सभी के साथ हो रहा है दोस्तों, चाहे वो बड़े लेवल के क्रिएटर हो चाहे वो न्यू क्रिएटर है, सभी के साथ ऐसा हो रहा है। तो सभी के वीडियोस पर व्यूज स्टॉक हो जा रहे हैं, मतलब कि कुछ व्यूज आ रहे हैं उसके बाद व्यूज आ रहे ही नहीं, उसको रुक जा रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन क्या है आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है जिससे आपको सब कुछ मालूम हो सके, और वीडियो अगर आपको कहीं पर भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो और बेल आइकन को ऑल पर रख लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जहां तक ये व्यूज का प्रॉब्लम है, जिसको व्यूज नहीं मिलते, मतलब मिलते हैं मतलब अच्छे खासे नहीं मिलते, जो डेली जो पिछले वाली वीडियोस पर हमें मिलते थे वो रिसेंटली वाली वीडियो पर नहीं मिलते, तो ऐसा ये सभी के साथ हो रहा है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो भी आपके व्यूज है वो कहां जाते हैं और कब तक आपके चैनल पर आते हैं, तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर मैं अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन पर एक वीडियो मतलब स्क्रीनशॉट आपको बताना चाहता हूं विद प्रूफ के साथ। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर अमित बड़ाना सर का चैनल को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहां देखिए दोस्तों, कल वाली वीडियो पर इन्होंने मास्टर जी क्या है ये मास्टर जी का भूत ये वीडियो अपलोड किया था। तो 14 घंटे के बाद 5,72,000 ओनली व्यूज, मतलब 5,00,000 व्यूज सिर्फ 14 घंटे, मतलब ये बहुत कम है। ये जब भी वीडियो अपलोड करते थे रिसेंटली, मतलब मान लीजिए 4 से 5 घंटे के अंदर इनको 1,000,000 व्यूज क्रॉस हो जाते थे, बट जो कल वाली वीडियो अपलोड की थी जो मास्टर जी का भूत, तो इस वीडियो पर ओनली 5,72,000 व्यूज आ चुके थे, मतलब 14 घंटे हो चुके फिर भी 5,00,000 ही व्यूज, और इनकी वीडियो भी नंबर वन मतलब जो ट्रेंडिंग नंबर वन होता है उस पर नहीं गई थी। बाद में मैंने जाकर देखा तो कुछ घंटों बाद फिर उनकी वीडियो नंबर वन ट्रेंडिंग कर रही थी और व्यूज भी थोड़े अच्छे खासे बढ़ गए थे, बट 14 घंटे के बाद दोस्तों 5,00,000 ही व्यूज मिले थे। तो एक और वीडियो दोस्तों, ये टेक्निकल आप इनके वीडियोज देखते हो, तो इनके भी वीडियोज पर देखिए दोस्तों, मैंने आपको भी स्क्रीन पर बता देता हूँ। तो ये टेक्निकल का मैं चैनल ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था हाउ टू फेस कैमरा, तो इनके एक घंटे में 951 मतलब 950 व्यूज, एक घंटे में 950 व्यूज। तो ये जब भी वीडियो अपलोड करते तो 1K के ऊपर चले जाता था, बट अभी एक घंटे के अंदर 951। तो और आपको बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक घंटा यहाँ पर 951 बता रहा है, जब इनके मैं चैनल पर जाकर विजिट करता हूँ, विजिट करने के बाद यहाँ मुझे बताता है दोस्तों 2 घंटे में 951, मतलब जब इनके वीडियो को मैं वॉच कर रहा हूँ तो 1 घंटा बता रहा है, और इनके चैनल पर जाकर उसी वीडियो को देखता हूँ तो मुझे 2 घंटे बता रहा है। तो ये क्या है मुझे समझ में नहीं आया, जैसे कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। देखिए दोस्तों, 2 घंटे यहाँ पर 951 व्यूज है और मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो 1 घंटा बता रहा है, सिर्फ 1 आवर आपको बता रहा है। तो ये क्या है, फिर आपको एक और बताता हूँ जो है सचिन टेक, इन्होंने भी एक स्क्रीनशॉट अपने कम्युनिटी पोस्ट पर सेंड किया था, तो वहाँ पर भी आपको बताया था। तो इनके भी वीडियो पर कुछ ऐसा ही हुआ, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिस पर 7,676 व्यूज आ गए थे, और जो रियल टाइम व्यूज होता है उस पर 11,000 व्यूज बता रहा है। एक्चुअल में जो वीडियो के नीचे जो व्यूज आता है वो 7,000 बता रहा है, और जो रियल टाइम व्यूज है उसमें ज्यादा बता रहा है दोस्तों, 11,000 बता रहा है। तो अगर आप एक क्रिएटर है, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर है, न्यू क्रिएटर है, तो आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, जो भी आपने वीडियो को अपलोड किया उसके व्यूज को मत देखिए, आप रियल टाइम व्यूज पर जाइए। जो भी आपने रिसेंटली वीडियो को अपलोड किया था वहां पर जाकर जो उसका रियल टाइम व्यू होता है वहां पर देखिए, तो जो एक्चुअली जो आपका व्यूज मिले हैं अब तक वो आपको वहां पर शो करेगा। तो ये होता क्या है दोस्तों, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि इसको कोई समझ नहीं सकता, अगर यूट्यूब का एल्गोरिथम को हर कोई समझ जाता है तो अपने अपने चैनल को ग्रो कर लेते। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता है क्या, यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो हमारे वीडियोस को कुछ हद तक व्यूज को रोक रखता है, क्योंकि वो अगर स्पैम होता है तो वो हमारे व्यूज को कट कर देता है। फिर क्या होता है दोस्तों, कुछ घंटों तक हमारे व्यूज वहीं पर रुक जाते हैं, उसके बाद किसी के ऐसा टाइम फिक्स नहीं है, किसी को 24 घंटे में टोटल व्यूज मिल जाते हैं, किसी के 48 घंटे में, किसी के 72 घंटे में, मतलब जो भी आपके व्यूज रुके हुए थे दोस्तों वो आपके कुछ घंटों के बाद लास्ट 72 घंटे के बाद आपके व्यूज आपको मिल जाते हैं। जो भी आपके चैनल पर जो पिछले वाली वीडियोस पर आते हैं तो उतने व्यूज आपके मिल जाते हैं, मतलब कुछ टाइम लगता है बट आपके जितने भी व्यूज चले गए थे वो सब कुछ आपके रिटर्न आ जाते। तो ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट कुछ यूट्यूब का कोई बग्स, कोई ग्लिच, कोई एरर आ जाता है, इसलिए हमें ये शो होता है। तो बस उम्मीद है आपको ये वीडियो से कुछ ज्ञान मिला होगा, अगर मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पर रख लो। चलिए फिर मिलते कुछ इस तरह के अगले वीडियो में, बाय बाय।